Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप सबके? Top Gun देखी या नहीं देखी? नहीं देखी तो अभी जाइए और अभी देखिए, क्या ज़बरदस्त मूवी है, कितना मज़ा आया देखने का उसको. और अगर आपने Top Gun 1 जो पहली थी वो नहीं भी देखी है, इवन देन यू कैन वॉच इट. यू डोंट हैव टू हैव सीन द प्रीवियस वन. और सबसे कूल बात है टॉम क्रूज, आई थिंक मुझे तो उन पर दोबारा क्रश हो गया है. एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वॉज द बैकग्राउंड स्कोर. इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक बैकग्राउंड में दिया है कि आपके जज्बात और आपके जो इमोशंस हैं ना, जैसे जैसे सीन और होता है वैसे वैसे बिल्टअप और होते हैं. वो अंदर आपके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सस्पेंस, एक्साइटमेंट बिल्कुल म्यूज़िक के साथ साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होती है. एंड ये बात मैंने नोटिस की एंड आई वॉज थिंकिंग कितना इम्पॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक किसी भी फिल्म के एक्सपीरियंस को इन्हांस करने में या किसी भी फिल्म के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ब्ला करने में. और अभी रिसेंटली जब अजैबिस्ट पे पैनल डिस्कशन हुई थी तो वहाँ पे नदीम बेग साहब मिले थे मुझे. और आई वाज जस्ट जनरली टॉकिंग टू हिम बिफोर द पैनल डिस्कशन. तो उन्होंने कहा हम लोग एडिट पर जा चुके हैं फिल्म की और उस पर मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ. एंड देन उन्होंने ये बात बोली थी, उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, आई हैव टू गेट दैट राइट. और जब मैं टॉप गन देख रही थी तो मुझे नदीम बेग साहब ही याद आ रहे थे और मैं यही सोची थी कि उन्होंने ये बात बोली थी. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लंडन, नहीं जाऊंगा एंड आई एम गोना चेक दैट आउट कि उसका म्यूज़िक इस बार कैसा है. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स एंड यू नो जो डांस नंबर्स होते हैं, मैं जनरली म्यूज़िक की बात करी हूँ. अगर आप टॉप गन में देखें तो कोई गाना तो ऐसा डांस नंबर या वो तो है नहीं ना, जैसे पाकिस्तानी या बॉलीवुड फिल्म्स में होता है. उसमें तो सीन वन से ही वो बाइक पे जा रहा है, प्लेन उड़ रहा है, वो हो रहा है, उसके सब पे एक म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट विच इज़ बैकग्राउंड स्कोर. आई होप मैं सही कह रही हूँ मुज़फ़्फ़र, मैं सही कह रही हूँ ना? यस. कभी कभी मेरे टर्मिनोलॉजी सही नहीं होती तो मैं आसपास से कंफर्म कर लेती हूँ. लेट्स कम टू आर टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. नंबर 5 पे हमारे पास है पहचान. आई एम जस्ट लविंग पहचान. आई थिंक इतने मज़े का ड्रामा है, इतनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ वुमन. एक औरत जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो एज अ माँ, एज अ बीवी वो किन चीज़ों से गुजरती है और जब ऐसे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो रिश्ते में क्या चेंजेस आती हों, मदरहुड में क्या चेंजेस आती हैं, वो बच्चे जो आपके पीछे भाग रहे होते हैं वो जब 12 साल 15 साल के हो जाते हैं तो कैसे उनके लिए आपके पास टाइम, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं होता है. तो आई एम लविंग कि पहचान इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है बट रैप्ड इन अ वेरी रिफ्रेशिंग वे. एट द सेम टाइम इट हैज़ द टिपिकल ट्रेडिशनल सास बहू मियाँ बीवी वाला फ्लेवर टू इट ऑल्सो. तो इसको और मिस्ट्री है, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है. थ्रिलर तो आई विल नॉट कॉल, मिस्ट्री है, सस्पेंस भी है, तो मज़ा भी आता है. भाई कुकी गई कहाँ है? मुझे तो लगता है इस पहचान का नाम होना चाहिए था कुकी कहाँ है. एंड आई लाइक इट. एक्चुअली जब पहली दो किस्तें हो गई तो मैं सोची थी यार हिबा ने ये कैरेक्टर लिया है तो ये तो गुम हो गई है, गायब हो गई है कुकी, तो अब होगा क्या. लेकिन वो जो फ्लैशबैक में पूरी स्टोरी सुना रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा सेट हो रहा है एंड आई थिंक हिबा इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन दैट. यू नो एक तो वो प्यारी बड़ी लग रही हैं, फिर उनके एक्सप्रेशन इतने ज़बरदस्त हैं एंड आई लाइक इट कि एज अ मदर उनके क्या जज्बात होते हैं, एज अ बीवी उनके क्या जज्बात होते हैं. तो पहचान जो है कम्प्लीट पैकेज है इस वक्त, इंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है और इंगेजिंग है. तो नंबर 5 पे पहचान है. नंबर 4 पे हमारे पास है हब्स. हब्स की जो मुझे सबसे मज़े की बात लगती है वो सरप्राइज़ है. जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ होगा होगी तो वो नहीं होती है. जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ हो जाती है. तो हब्स के साथ भी ऐसा हुआ है. पिछली 2 किस्तों से शायद हम लोग सोच रहे थे कि यार अभी बासित जो है वो आयशा को प्रपोज करेगा या कुछ करेगा या मजबूरी का रोना रोएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ. अब जब इस किस्त में मैं ये सोच रही थी, आई डोंट नो आप लोगों के साथ ये हुआ या नहीं हुआ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा. जब मैं ये सोच रही थी कि यार अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है एक किस्त और आएगी, यू नो, या जब वो रात को बैठा अपने ऑफिस में सोच रहा होता है और वो बाहर जूता वो कर रही होती, मैंने कहा शायद अभी बोल दे डेस्परेशन में जाके, लेकिन तब भी नहीं हुआ. बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली जब वो बोर्ड रूम में आती है आयशा, वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है एंड ही सेज दैट थिंग अबाउट निका एंड आई वाज लाइक यार फिर हमें सरप्राइज़ कर दिया. सो मुसद्दिक मलिक साहब जो डायरेक्टर हैं, ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. द स्क्रिप्ट हैज़ बीन रिटन वेरी नाइसली, क्योंकि मुझे लगता है ऑडियंसेस को आप तभी पकड़ के रखते हैं जब आप उन्हें सरप्राइज़ करते हैं, जब आप उनका जो इंटरेस्ट का लेवल है वो गिरने नहीं दें. अदर देन दैट आई लव द वे दानिया की रिस्पेक्ट दिखाई है. सॉरी दानिया ने, आई लव द वे बानो की रिस्पेक्ट दिखाई है. बड़ी ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने शादी अटेंड की और वापस आई. तो ड्रामा अगेन मज़े का है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत रोमांस का एंगल भी हमें नज़र आना शुरू हो जाता है. बानो का ट्रैक मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है अभी तक. जो तीसरी बहन है उसका ट्रैक भी स्टार्ट हो गया है. सो ओवरऑल ड्रामा इज़ कीपिंग अस एंगेज्ड.
नंबर थ्री पे हमारे पास है मेरे हमनशीन। अगेन मेरे हमनशीन एक ऐसा ड्रामा है जिसमें दो किस्तें आती हैं, लेकिन आई हैव टू एडमिट दोनों किस्तें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि एक किस्त देखने के बाद दूसरी किस्त जो है वो मेरे ऊपर बोझ है और मैं क्यों देख रही हूँ क्योंकि दोनों किस्तों में, दोनों एक साथ में, दैट्स द राइट वर्ड, क्योंकि दोनों एक साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि वो आपको, आपका इंटरेस्ट इधर उधर नहीं जाने देता। अब तो रोमांस भी आ गया है, हादी साहब खजस्ता के पीछे पीछे है, थोड़ा चीज़ी भी हो जाता है, थोड़ा क्यूट भी हो जाता है। सो आई एम लविंग इट। अगेन मेरे हमनशीन में एक तरफ उन्होंने एक ऐसी फैमिली दिखाई है जो शहर में रहती है, उसके क्या इशूज़ हैं माँ बाप और बच्चों के। एक फैमिली दिखाई है जो एक रूरल एरिया में रहती है, उनके क्या चीज़ें चल रही हैं, उनकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं। तो इट्स अ फुल पैकेज। और अब तो एक्शन भी आने वाला है, देखते हैं दरकज़ई के साथ क्या होता है, बहराम उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट्स कीपिंग अस इंगेज। और इस हफ्ते भी बहुत मज़ा आ रहा था देखने का, एंड आई एम लविंग खजस्ता एंड हादी का ट्रैक राइट नाउ। ठीक है जी, नंबर टू पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक। बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू सैफी हसन फॉर संगेमा। आई थिंक अब संगेमा इस पॉइंट पे था जहाँ पे अगर डायरेक्शन और स्क्रिप्ट सही नहीं हो तो इंटरेस्ट गिर सकता है, और ये हमारे मोस्टली ड्रामों के साथ हो सकता है। बट इट इज़ अमेजिंग एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ द डायरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट राइटर मुस्तफ़ा आफरीदी साहब, कि उन्होंने हमारा इंटरेस्ट अभी तक बरकरार रखा हुआ है। मतलब आप ये सोचें, एक ड्रामा जिसकी तीन किस्तें, तीन एक साथ ऐसी हों कि आपका इंटरेस्ट लेवल जा ही नहीं रहा नीचे, और आप कह रहे हैं यार अगली किस्त कब आएगी, हमें पता चले क्या हो। पहली किस्त भी बड़ी इंटरेस्टिंग, पिछली किस्त भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और इस हफ्ते जो आई वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। इतने इमोशंस, इतने ट्विस्ट, एक नया एंगल आ गया, एक नया ट्विस्ट आ गया। सो आई लव द वे ही इज़ मूविंग द स्क्रिप्ट इन द ट्विस्ट, बारी बारी लेकर आ रहे हैं। जहाँ आप समझते हैं कि क्लाइमेक्स आ गया, वो एक और नई कहानी स्टार्ट कर दी उन्होंने, और अभी हमें एक और इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी। देन द वे ही इज़ डायरेक्टेड दैट सीन बिटवीन हिलमंत एंड शहरेज़ाद, एक तो आग के पास, उससे एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट आ गया। फिर उन्होंने जिस तरीके से उन दोनों के जज्बात को मैनेज किया है वो बहुत खूबसूरत था। अव्वल खान जो दुआ मांग रहा है वो कितनी खूबसूरत थी। लाइक सैफी साहब ने हमें इस किस्त में थोड़ा सा दिल को नरम करने वाला, दिल को छू जाने वाले जज्बात भी दिए, फिर उन्होंने हमें कुछ सोचने वाली चीज़ें भी दी। जो हिलमन की कॉन्वर्सेशन थी जब वो उनके पास जाता है पीर साहब के पास, वो जो बातें कर रहा है कि इसके जहन में चल क्या रहा है। देन द वे ही इज़ पोर्ट्रेड, ही इज़ शोन शहरेज़ाद, आई जस्ट लव इट। आई जस्ट लव कुबरा खान्स परफॉर्मेंस एंड द डायरेक्शन दैट सैफी साहब हैज़ गिवन हर, कि कहीं वो ओवर नहीं गई हैं, कहीं वो नीचे नहीं खेल आए। उन्होंने इतनी बैलेंस के साथ शहरेज़ाद के जो जज्बात हैं उसको पोर्ट्रे किया। फिर उसके बाद मरजान खान, उसको कैसे वो लेकर आए हैं जब वो सारे हिलमन के जो दादा और वो सब आ जाते हैं, वो जो हीरो बना के लेकर आए, तो फ्लो बड़ी अच्छी थी। कैरेक्टर्स को जिस तरीके से वो मैनेज करें और डायरेक्ट करें वो बड़ा ज़बरदस्त था। स्टोरी के, स्क्रिप्ट के जो ट्विस्ट हैं वो इतने इतने मज़े से, दे आर जस्ट परफेक्टली सिटिंग डाउन इन द होल ऑफ द पज़ल, कि आपको कहीं बोरियत नहीं लगती है। तो बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू सैफी साहब। नंबर टू पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र अगेन थोड़ा सैड होता है, थोड़ा प्यारा होता है, थोड़ा क्यूट होता है। मैंने अपने दूसरे रिव्यू में भी यही कहा था, अभी भी यही कह रही हूँ कि कासिम अली मुरीद की मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि जितनी नेगेटिविटी, ट्विस्ट और टॉक्सिसिटी है उसके साथ साथ ही कीप्स गिविंग अट दिस क्यूट रोमांटिक सीन्स बिटवीन हाला एंड हमज़ा, जो हमारा इंटरेस्ट पकड़ के रखते हैं और हमें बोर नहीं होने देते, हम जा नहीं पाते हैं। मतलब मेरे हमसफ़र में काफ़ी चीज़ हुई, उन दोनों की रिलेशनशिप आगे मूव की, हमें खुर्रम की नेगेटिव साइड और भी ज़्यादा नज़र आई। ड्रामा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी चीज़ें सोचने पे भी मजबूर कर रहा था। दुआ, झूठ, अल्लाह पे यकीन, एक औरत को कटहरे में खड़ा कर देते हैं सारे ससुराल के सामने, तो क्या वो झूठ बोले तो वो जस्टिफाइड है या नहीं है। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, मुझे लगता है हमज़ा के जो अल्फाज थे, तो मुझे जानती हो ना, वो एक ऐसा जुमला था जो मुझे लगता है हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को बोलना चाहिए, जब भी वो थोड़ा सा घबराई हुई हो, जब भी वो परेशान हो। एंड दोनों की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ इसी में आती है जब वो एक दूसरे के साथ खड़े हों। एंड जिस तरीके से हमज़ा ने हाला को सपोर्ट किया, आई लव्ड इट। सो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़े का है, हमें बोर नहीं होने दे रहा है, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम बैठे हुए, क्या होगा, क्या होगा, क्या। सो नंबर टू पे है मेरे हमसफ़र। नंबर वन पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक। सो बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू आतिफ असलम फॉर संगेमा एज हिलमंत। अगेन
अमेजिंग परफॉर्मेंस. वो जो पूरा इंटरेक्शन है शहरज़ाद और हिलमन के दरमियान, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है आतिफ ने. वो उनके दिल का खौफ हिलमन का, कि उनकी एहसास कमतरी, कि मैं तो गांव से हूँ और मेरे तो इतने मसले हैं, और ये बैगेज जो उनको अभी मिला है अपने माँ और बाप से कि दोनों ही ने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है, वो लेके मैं शहर कैसे जा सकता हूँ, और तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की, वो कैसे मेरे जैसे बंदे के साथ, यू नो, जो इतनी जिसके साथ इतनी नेगेटिविटी इन्वॉल्व है, कैसे रह सकती है. आई जस्ट लव द वे इतने सटल और इतने खूबसूरत तरीके से आतिफ ने हिलमन के वो इमोशन दिए, कि हमारा दिल चाह रहा था कि हम हिलमन को कम्फर्ट करें. आर हार्ट गोज टू हिलमन एंड वी कुड फील हिज पेन, यू नो. एंड उसके बाद जब वो बैठे हुए खुद सोच रहे होते हैं, मस्जिद में जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या करूँ, मैं मरजान खान को, क्या मैं हाजी मरजान का कसूर नहीं है, क्या हाजी मरजान का कसूर नहीं है, मेरे बाप ने गलत किया तो हाजी मरजान ने भी गलत किया. विच शोज़ द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो हिलमन के दिमाग में इस वक्त चल रहा है. अगेन बहुत कहीं उन्होंने चीखें नहीं मारी, कहीं वो रोए नहीं, कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस नहीं दिए. पिछली किस्त में अगर याद हो आपको तो हमने हिलमन का रोना देखा. इस किस्त में रोने के बाद जो स्टेट आती है, जब आप सिर्फ सोच रहे होते हैं, सवाल, आपकी सिचुएशन, आपकी कश्मकश आपको एक मिनट के लिए भी चैन नहीं लेने देती, एक अजियत सी आ जाती, हमने हिलमन का वो वाला रूप देखा इस बार. एंड आई थिंक आतिफ असलम डिड एन अमेजिंग जॉब एट पोर्ट्रेइंग ऑल दीज इमोशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डाउट, सेल्फ पिटी, महरूमी, ये दिल चाहना कि हाँ मैं चला जाऊँ शहरज़ाद के साथ, बट रियलिटी हिट करना, फिर डर, ये सब चीज़ें इतने खूबसूरत तरीके से आतिफ असलम ने पोट्री की, ड्रामा देखने का मज़ा ही कुछ और हो गया. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू, इस बार बहुत मुश्किल था मेरे लिए देना, क्योंकि आई फेल कुबरा एंड हानिया बोथ डिड एन अमेजिंग जॉब, सो आई एम गोना मेंशन बोथ ऑफ देम. हानिया एज हाला इन मेरे हमसफ़र, वो जो सीन है जब वो रोते रोते साइड टेबल पे साइड पे सर लगाती हैं और अल्लाह से बात कर रही होती हैं, क्या खूबसूरत सीन है, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है हानिया ने. उफ, आई थिंक वो उस वक्त ऐसी परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी खूबसूरत पोर्ट्रेल है वो उस लम्हे की, उस कैफियत की जो उस वक्त हाला और हम जैसे बहुत से लोग, हाला जैसे हम बहुत से लोग गुजर रहे होते हैं, जब आपने कोई चीज़ गलत कर दी होती है और आप अल्लाह से अपनी जस्टिफाई कर रहे होते हैं, या आप किसी दुख में होते हैं और आप अल्लाह से बस बात कर रहे होते हैं क्योंकि आपको और कुछ समझ नहीं आती कि आप किसके पास जाएं, आपके पास अल्लाह के अलावा कोई सहारा नहीं होता. एंड आई थिंक हाला की वो सिचुएशन जब वो अल्लाह से बात करिए, इस जस्ट आपके दिल को छू जाती है. इट मेक्स यू क्राई, इट मेक्स यू इमोशनल, इट मेक्स यू कनेक्ट विद अल्लाह अगेन, इट मेक्स यू फील फॉर हाला. इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी हानिया की इन दिस वन, कहीं एग्जैजरेटेड नहीं थी, कहीं हमने एक्सट्रीम रोना धोना नहीं देखा. उनकी बड़बड़ाहट, एंड अगेन कासिम हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन डायरेक्शन ऑल्सो, बट हानिया ने जो जिस तरीके से, फिर दूसरा सीन जब हमजा आके बैठता है हाला के पास और वो डर के पीछे होती है, फिर जब हमजा उसे कहता है तुम मुझे तो जानती हो, और वो सारे एक्सप्रेशन जो हाला के थे उनके फेस पे जो आए, ऑफ दिस रियलिटी हिटिंग हर, ऑफ दिस कम्फर्ट कमिंग टू हर, कि येस मैं तो जानती हूँ ये सही कह रहा है, ये इसका तो मुझमें एतमाद था. वो एक जो जर्नी था ना, कि वो खौफ और बेयकीनी से निकल रही है, थोड़ा सा एक इत्मीनान की तरफ आ रही है. वो इतनी, कोई डायलॉग नहीं है हाला का उसमें, कोई डायलॉग नहीं है जब ये बोलते हैं, वो चुप रहती है, वो सिर्फ पीछे की तरफ होके जा रही है. शुरू के एक दो डायलॉग के बाद इतने अच्छे तरीके से हानिया ने हाला के ये जज्बात को पोर्ट्रे किया है. देन ओवरऑल भी थ्रू आउट द एपिसोड, जब वो झूठ बोलती है तब उसके उनके ऊपर जो गुजरती है हाला के ऊपर, जब ताई आके बैठ जाती है, शाहजहाँ आके बैठती है, जब वो बोलती है कि अल्लाह जिसका पर्दा रखना चाहे उसको कौन चैलेंज कर सकता है, हाला के जज्बात जो हैं, हाला की जो पोर्ट्रेल है और हाला के लिए हमें जो फीलिंग्स फील करा रही हैं हानिया, उसके लिए शी डिज़र्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. सो एक्टर ऑफ द वीक गोज टू हानिया एज वेल फॉर हाला इन मेरे हमसफ़र. कुबरा एज शहरज़ाद इन संगीमा, उफ क्या खूबसूरत डायलॉग थे, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी. आई जस्ट लव्ड कुबरा एंड आई जस्ट लव्ड शहरज़ाद इन दैट सीन, बिकॉज इतने उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, और वो जो ओनरशिप थी ना शहरज़ाद की, जब उसने सोचा अब हिलमन तैयार है मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, अब हिलमन को मेरी ज़रूरत है, मेरी मोहब्बत और मेरी कम्फर्ट की, वो गई, उन्होंने अपने हाथ फैलाए शहरज़ाद ने और उसको बोला कि आई एम हेयर टू कम्फर्ट यू, आई एम हेयर टू गिव यू द सपोर्ट दैट यू नीड. इतने खूबसूरत तरीके से वो पोर्ट्रे किया है कुबरा ने, अपने एक्सप्रेशंस, अपने डायलॉग्स, अपने चेहरे की मूवमेंट, अपने बॉडी की मूवमेंट, अपने फेस के, अपनी आवाज़ की टोन से, कि
आपके दिल को फील होता है एंड यू आर इट्स लाइक आई फील कि जब कुबरा वो बोल रही होती है या शहजाद वो बोल रही होती है तो आपको लगता है आप भी हिलमन से बात करें, आप हिलमन को यही कह रहे हैं कि डोंट वरी, यू नो शहजाद इज़ हेयर टू टेक केयर ऑफ़ यू, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरी थिंग, जस्ट गो विद हर, वो आपको कम्फर्ट करेगी, वो आपको हील कर सकती है, यू नो। एंड जब वो शॉल वाला बोलती हैं कि ये, वो इतना खूबसूरत डायलॉग था, बहुत अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। आपको रोमांस भी फील होता है, आपको दुख भी फील होता है, आपको जज्बा भी फील होता है, आपको ये नीड और ये बेबसी जो शहरज़ाद की है कि वो किसी तरीके से हिलमंत को कंफर्ट कर ले, वो भी फील होती है। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय कुबरा एज़ शहरज़ाद इन संगे माँ दिस वीक। नंबर वन पे हमारे पास है संगे माँ, गेस तो कर लिया होगा, आई जस्ट लव संगे माँ, मुझे इतना मज़ा आता है ये एपिसोड्स देख के और आई कॉन्ट वेट कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और वो जो मरजान, हाजी मरजान का हीरो वाला इफेक्ट लास्ट में दिया ना, वो तो टू गुड है। वो आके बैठते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देन ही सेज हिज टू वर्ड्स, हिज टू डायलॉग्स एंड बस छा गए। बाकी सब भाई कुछ भी बोलते रहो, डजंट मेक अ डिफरेंस। नुमान एजाज ने बोल दिया एज हाजी मरजान, तो छा गए वो सीन में। फिर उन्होंने जो दिखाया कि हिलमंत गया अपने दादा के पास, वो भी कितना इंटरेस्टिंग था कि उसको वहाँ से जो उम्मीद थी बेचारा वहाँ से भी ना उम्मीद होकर आया। रोमांस भी दिखाया हमें, सस्पेंस भी आ गया, हम थोड़े से परेशान भी हो रहे हैं, हमें संगा के लिए परेशानी भी हो रही है, हिलमंत के लिए पेन भी फील हो रहा है, हिलमंत पे थोड़ा सा इरिटेशन भी हो रही है कि अरे भाई छोड़ दो, लेट इट गो, लेट इट गो, या फिर जाओ जाके बात करो अपने बाप और अपनी माँ से। सो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा था एपिसोड में, एक इमोशन के बाद दूसरा इमोशन आता था, उसके बाद तीसरा इमोशन आता था। आप कहीं भी आराम से नहीं बैठ सकते थे, आप ये नहीं सोच सकते थे यार मैं जाके पानी ले आऊँ, अच्छा मैं फ़ोन कॉल कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ, नो, यू हैड टू लिसन टू द डायलॉग्स एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन टू बी कनेक्टेड विद द ड्रामा। सो ग्रेट एपिसोड ऑफ संगे माँ दिस वीक एंड इट्स ऑन नंबर वन। ओके, मैं जिस में ज़रा ज़्यादा तेज बोल गई। तो ये मेरे टॉप फाइव हैं, आप लोग बताएं आपके टॉप फाइव ड्रामाज ऑफ द वीक कौन से हैं इस हफ्ते। दोबारा और इश्किला दोनों ख़त्म हो गया है, आई एम वेटिंग टू सी कि दोबारा की जगह कौन सा ड्रामा स्टार्ट होगा। आज मैंने देखा नहीं, आई हैवंट सीन इट, अगर कोई आया है तो मुझे नहीं मालूम, बट आई विल चेक इट आउट टुनाइट। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर टॉप गन नहीं देखिए तो जाइए और अभी जाके देखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।